चर्चा का विषय है कि अंतर्गत प्रस्तुत है परिचर्चा डिजिटल भुगतान के विभिन्न आयाम। इसमें भाग ले रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के प्रोफेसर अमन अग्रवाल और साइबर कानून विशेषज्ञ परितोष शर्मा। परिचर्चा का संचालन पत्रकार मनोज कैरोला कर रहे हैं। इस नवंबर 8 को जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि आप 500 और 1000 रुपए के नोट अब नहीं चलेंगे और वो सारे के सारे वापस लिए जाएंगे, तो ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक कदम था। इसके पीछे जो कारण बताया गया वो ये था कि इससे काला धन में कमी आएगी और जो टेरर फंडिंग भी काफी हद तक कम होगी। लेकिन इसका जो बाय प्रोडक्ट है या इसका जो मेन इम्पैक्ट है वो हमारे पेमेंट सिस्टम में पड़ेगा। अब क्या होगा कि आने वाले टाइम पे कैश के ट्रांजैक्शन कम से कम होंगे, पर ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सोच है। और अगर कैश के ट्रांजैक्शन कम होंगे तो ये नेचुरल है कि जो डिजिटल के जो ट्रांजैक्शन हैं वो ही अब काफी ज्यादा होंगे। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन बेसिकली दो तीन तरीके से हो सकते हैं। एक तो है कि आप इंटरनेट में जाके बैंक से अपना ट्रांजैक्शन करें, आपके जो बैंक का जो अकाउंट है उससे आप सीधा मनी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और के बैंक अकाउंट में। दूसरा जो ट्रांजैक्शन का तरीका है वो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये भी सारे का सारा डिजिटल के अंतर्गत आएगा। और अब जो नए आए हैं वो है मोबाइल वॉलेट। मोबाइल वॉलेट में जो खासियत है कि आप अपने मोबाइल से ही पेमेंट कर सकते हैं। अब ये चीज हिंदुस्तान के लिए तो नहीं है, लेकिन कई सारे कंट्रीज हैं जैसे केन्या, जहां की 85% ऑफ द जीडीपी वो मोबाइल फोन के थ्रू फ्लो करता है। इसका मतलब ये है कि हर किसी वेंडर के पास, जो भी कोई मर्चेंट है, चाहे वो छोटे से छोटा रेड़ी वाला सब्जी बेच रहा है, उसके पास भी ये फैसिलिटी रहती है कि वो किसी भी कस्टमर से मोबाइल फोन के जरिए से पेमेंट ले सके। हमारा देश भी इसी डायरेक्शन की ओर जा रहा है। तो अमन, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि अभी, क्योंकि आज की डेट में जो हमारा जितना भी ट्रांजैक्शन होता है 85% ट्रांजैक्शन कैश का है, तो आपको क्या लगता है कि कितने टाइम पे हम कंफर्टेबली कह सकते हैं कि हमारा जो प्रीडोमिनेंटली, मतलब 50% से ज्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो सारा का सारा नॉन कैश होगा, डिजिटल होगा? आपने बड़ी अच्छी बात करी, जो आपने केन्या का एग्जाम्पल दिया ये भी बड़ा अच्छा है। सिर्फ केन्या नहीं, काफी सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहां पे ये देखने को मिला है। जो प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को ये एक दृढ़ कदम लिया है हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाने का, सिर्फ एक स्वच्छ भारत सफाई करने से नहीं, स्वच्छ भारत सिर्फ कूड़ा करकट उठाने से नहीं, पैसे के अंदर भी कार्य करने में, आदमी की सोच में बढ़ने में, आगे ग्रोथ की तरफ देखने में, उसमें भी देखनी जरूरी है। और ये मेरे विचार में ये जो कदम लिया गया 8 नवंबर को, ये उसकी तरफ एक और कदम है कि हम स्वच्छ भारत सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बाहर विश्व में बताएं कि ये हिंदुस्तान एक स्वच्छ है, हर एक तरीके से स्वच्छ है। इससे हमारी जो प्रगति है, जो विकासशील देश जो हिंदुस्तान को बहुत करप्ट और नॉन ट्रांसपेरेंट मानते थे, वो भी कम होने की उम्मीद है। उससे बढ़ावा भी मिलेगा, हमें जो खान पदार्थ हैं और चीजों के पदार्थ हैं जिनकी ट्रेड होती है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये कहना कि हम 40% 50% की तरफ जाएं, 86% जहां कैश इकोनॉमी है, और वो 86% सिर्फ 500 और 1000 रुपए के नोट थे। इस समय हिंदुस्तान में कुछ सर्वे, जो अलग अलग सर्वे अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन के हैं, वो कहते हैं कि 95% से 98% के करीब जो है सिर्फ कैश इकोनॉमी है हिंदुस्तान में, 2 से 4% सिर्फ डिजिटल बेस्ड कैशलेस इकोनॉमी जिसे कहते हैं वो है हिंदुस्तान में, और इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो वो जो कर्व किए जा रहे हैं, जो 100 रुपए के हैं, 50 रुपए के हैं, 20 रुपए के नोट हैं, 10 रुपए के नोट, तो अभी भी चल रहे हैं मार्केट में, अभी भी है उतना ही, और अभी आगे भी बढ़ेंगे थोड़े जाके। ये एक कदम है। हिंदुस्तान ने पूरे विश्व में इंटरनेट और डिजिटल बेस्ड स्ट्रक्चर्स को बढ़ावा दिया है, कंपनियों को बढ़ावा दिया है, ट्रेड को बढ़ावा दिया है। उसके मद्देनजर रखते हुए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास क्षमता है कि हम एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ें। इस समय जो मिडिल क्लास है वो 700 मिलियन, ऑलमोस्ट 2/3 हिंदुस्तान की जनता इस समय मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में आती है। उनकी क्षमता है, वो ऑलरेडी डिजिटल प्रोडक्ट्स को यूज करते आए हैं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हुए उनकी क्षमता है कि वो पूरा डिजिटल की तरफ जा सकते हैं तेजी से। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दूं। अमेरिका, जिसमें 1970 में क्रेडिट कार्ड आया और वो क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने कहा हम तो कैशलेस हो जाएंगे, सारा कुछ क्रेडिट कार्ड पे शिफ्ट हो जाएगा, उसमें भी सिर्फ 45% के करीब कैशलेसनेस है, बाकी कैश के अंदर चलता है। दशक के दशक वो कंपनियां कहती रही हम कैशलेस कर देंगे, कैशलेस नहीं कर पाई। अगर हम कुछ देश देखें जहां कैशलेसनेस है, जैसे बेल्जियम है, कैनेडा है, सिंगापुर है, वहां पे भी 57% से लेकर 62% कैशलेसनेस है, बाकी अभी भी वहां कैश चलता है। सिंगापुर ने भी अभी 3 साल पहले 2014 के
अंदर उन्होंने $10,000 का सिंगापुरियन डॉलर का नोट बंद किया। तो उसकी सर्कुलेशन बहुत छोटी थी, बहुत बड़ी नहीं थी जैसे हिंदुस्तान में है। और जो देश देखें, ब्रिक्स कंट्री की बहुत बात होती है, ब्रिक्स कंट्री में देखा जाए तो ब्राजील के अंदर ही 15% कैश है, रशिया, चाइना, इनके अंदर 4-8% कैश है, वो है, बाकी सारा कैश मार्केट में चल रहा है। हिंदुस्तान ने ये कदम लिया है। हिंदुस्तान की जनता ऑलरेडी टेलीकम्युनिकेशन में काफी आगे तक है। एक गरीब व्यक्ति भी इस समय जो सड़क पे चलता है, चाहे उसकी आय सारे दिन की 10 रुपए हो, उसके पास मोबाइल है, उसे टेलीकम्युनिकेशन इस्तेमाल करना आता है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो हमारा ट्रांजिशन प्रोसेस होगा वो मेरे विचार में बहुत फास्ट होगा। कदम लेने की बात थी, सोच की विचार थी, जिसको समर्थन पूरे देश ने दिया है। तो अगर हम देखें कि टेलीकम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी भूमिका है इस डिजिटल ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आज के डेट में भी अगर हम देखें तो जो बैंक की जो ब्रांचेज हैं वो कई बारी कुछ जगहों में गांव से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक की दूरी में हैं। और जहां तक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की बात है तो रिमोट एरिया में टेलीकॉम नेटवर्क है नहीं। बैंक के लिए आज की डेट में आपको चाहिए सिर्फ एक लैपटॉप और एक स्वाइप मशीन, और साथ ही इस लैपटॉप की कनेक्टिविटी कोर बैंकिंग नेटवर्क के साथ हो। लेकिन बेसिक चीज वही है जो कि अभी अमन ने बताया कि वो कनेक्टिविटी की बहुत आवश्यकता है, और काफी सारे एरिया हैं जहां की कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें अपना डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को अगले 2 साल में बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए, जिससे कि देश के हर कोने में जो भी ये मोबाइल बैंकिंग या डिजिटल बैंकिंग की फैसिलिटी है वो आ सके और हर कोई इसका इस्तेमाल कर सके। तो आपको क्या लगता है पारितोष, कि इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज जो आएगा वो साइबर सिक्योरिटी का आ सकता है? जी हाँ, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी आज की डेट तक हम लोगों ने कभी इतने ज्यादा गंभीरता से ली नहीं। और थोड़े दिनों पहले अभी खबर थी कि कितने सारे जो डेबिट कार्ड थे उनका डेटा भी हैक हो गया था जी, इंडिया में जी। आपको क्या लगता है कि साइबर सिक्योरिटी की तरफ हमें क्या ध्यान देना चाहिए? एक तो बैंक को और सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए, और दूसरा लेवल है कि कस्टमर को भी अपनी तरफ से किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? शुरुआत है सोच की। सबसे पहला कदम रखा हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जिसको कहते हैं सोच बदली। ये सोच काफी समय से वो कहते आ रहे थे, बदलो, हर अपने लाल किले के भाषण में उन्होंने बोला डिजिटल इंडिया, उन्होंने बोला स्टार्टअप इंडिया, उन्होंने बोला स्टैंड अप इंडिया। आज वो सोच एक जोर के साथ, एक धक्के के साथ बदल रही है। अच्छी बात यह है कि आज हमारे देश में टेलीकॉम नेटवर्क, जिसकी आप बात कर रहे थे कि क्या हमारे यहाँ कनेक्टिविटी है, हमारे यहाँ कनेक्टिविटी है। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे गांव कनेक्ट नहीं हो रहे। आपको ये जान के खुशी होगी, जो मुझे भी है, कि आज हमारी सरकार काफी बड़ी कंपनियों के साथ, गूगल के साथ, फेसबुक के साथ काम करके, और काफी सारी भारतीय कंपनियां भी हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट एनी लाइंस, जिसका मतलब यह है कि इंटरनेट हवा के थ्रू। आज हमारे रेलवे स्टेशन पे गूगल फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो कनेक्टिविटी है। दूसरा जो कि साइबर सिक्योरिटी जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे हमारे हार्ड अर्न पैसे का सवाल है। मैंने मेहनत की, मैंने पैसा कमाया, अगर वो पैसा कहीं खो गया तो क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यहां पे है डर का। आज हमारे दिल में ये डर है क्योंकि हमने पहले इतने बड़े स्केल पर और इतने बड़े तरीके से डिजिटल या कैशलेस इकोनॉमी को कभी अपनाया नहीं। हमारे लिए आसान था कि सब्जी वाले से सब्जी ले ली तो जी उसको 10 रुपए दे दिए या 50 रुपए दे दिए। आज जब एकदम से हमें अपना मोबाइल फोन यूज करके उसको पे करना पड़ता है, सबसे पहला दिमाग में डर बैठता है, कहीं गलती से अगर मेरा मोबाइल फोन किसी के पास चला गया या चोरी हो गया तो क्या मेरा सारा पैसा चला जाएगा? देखिए, इसके दो पहलू हैं। सबसे पहला आपने पहलू जो बताया सरकार का, NPCI जो हमारी सरकार की संस्था है, उन्होंने काफी अच्छे, और RBI ने भी काफी स्ट्रांग रूल्स सेट किए हैं, और ये सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि पेमेंट्स जब होती हैं इंटरनेट पे उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम कहते हैं सिक्योरिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। उन स्टैंडर्ड्स को मानने के बाद ही RBI या कोई और संस्था आपको लाइसेंस देती है कि आप या तो अपना पेमेंट बैंक चला पाओ या आप कोई ऐसा ऐप बना पाओ या मोबाइल ट्रांजैक्शंस करा पाओ। ये स्टैंडर्ड्स आज भारत देश में बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी चीज है जो कंपनियां आज मोबाइल वॉलेट्स इंप्लीमेंट कर रही हैं, या उससे भी बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने मन की बात कार्यक्रम में पिछले ही हफ्ते 3 शब्दों की एक इंट्रोडक्शन दिया, UPI, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन आज है, 21 ऐसे बैंक हैं हमारे देश में जिन्होंने अपनी UPI ऐप बना ली है, आप बस उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। जरूरी नहीं है दूसरे इंसान के पास वो ऐप हो, आप उस ऐप के थ्रू किसी को भी पैसा दे सकते हैं। और सबसे खूबसूरत जो उस ऐप का फीचर है वो यही है कि उस ऐप में आपको अपनी बैंक की या क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की कोई डिटेल सेव या शेयर करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक मोबाइल पिन मिलता है और दूसरे इंसान को जिसको आप पैसे दे रहे हैं उसका भी एक पिन होता है। आप पिन टू पिन पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। इससे ज्यादा सेफ और कुछ नहीं हो सकता।
आपको एक एंड यूजर को, जो मैं हूं, जो आप हो या जो सब्जी वाला है जिसको पेमेंट चाहिए, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल्स कभी किसी से शेयर ना करें, किसी से भी, चाहे वो आपके रिश्तेदार ही हो, आप कृपया ना करें। दूसरी चीज, जब भी आप किसी मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एटलीस्ट अभी फिलहाल इस समय में, आप अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल्स उस मोबाइल वॉलेट्स में सेव ना करें, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। और तीसरी चीज, जबकि आज काफी सारे मोबाइल वॉलेट्स हैं जिन्होंने अपनी लिमिट भी बढ़ा दी है, आप उनमें ज्यादा पैसे रख सकते हैं, मेरा अभी फिलहाल ये मानना होगा कि आप जितना पैसा आज से पहले मोबाइल वॉलेट से आने से पहले अपने पर्स में रखते थे, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए, आप उतना ही पैसा मोबाइल वॉलेट में रखें। सबसे पहले इसको इस्तेमाल करके एक बार देखें, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा, जब आप मदर डेयरी जाके दूध खरीद पाओगे 3 सेकंड के अंदर, आपको समझ आएगा कि ये आसान भी है और ये सिक्योर और सेफ भी। तो पारितोष, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि एक कस्टमर कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकता है, और साथ ही साथ आपने एक कॉन्फिडेंस ये भी दिया कि सरकार ने तो इस डायरेक्शन में काफी काम ऑलरेडी किया है और आगे भी सरकार का ध्यान इसी तरफ है। अब रही बात हैबिट्स की, तो अमन, आपको क्या लगता है कि कस्टमर हैबिट कितने टाइम पे चेंज होती हैं? क्योंकि अभी तक तो भाई हम लोग पिछले कई सौ साल से इनफैक्ट मतलब यही देखते आए हैं कि हमारी जो आदत वो कैश की ही है। बड़ी अच्छी बात कही, हिंदुस्तान ने काफी रिकॉर्ड तोड़े हैं हैबिट्स के मामले में। मैं वैसे फाइनेंस का प्रोफेसर हूँ, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का या एक ह्यूमन नेचर के ऊपर नहीं काम किया हूँ। अगर हम देखें, जब हमें हिंदुस्तान को आजादी मिली, 100% पेट्रियोटिक एक हिंदुस्तान के प्रति फीलिंग थी। टैक्स रेट 98%, एक्सचेंज रेट $2 1 रुपया के लिए, स्ट्रांग रुपया था उस समय, अब तो बहुत कभी खो गया है। पर 100% पेट्रियोटिक होने के बाद जब 98% टैक्स लगाया गया तो लोगों ने चुराना शुरू कर दिया टैक्स, और उस चक्कर में काला धन जनरेट हो गया, जिसको हम आजकल बात कर रहे हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने स्ट्रांग कदम उठाया। हैबिट एक दिन में हिंदुस्तान आजाद हुआ और एकदम से आदमी की फितरत बदल गई। ये फितरत जो बदलना है, हम टेलीकम्युनिकेशन को देखें, जो मोबाइल टेलीफोन्स हैं उनका यूजेज जो हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों के अंदर देखने को मिला है, मिलियंस ऑफ यूजर्स और बिलियंस ऑफ यूजर्स बढ़ गए हैं, ये पूरे विश्व के अंदर किसी और देश में देखने को नहीं मिला है। और ये यूनिफॉर्म है, हम ये कहें कि एक प्रांत में बढ़ गए, जैसे हम कोई, जैसे हमारे आसपास के देश हैं, चाइना है या कोई और देश है, वहां पे बड़ी बड़ी सिटीज में तो बढ़ गए उनके यूजेज, बट पूरे देश में नहीं बढ़े। हिंदुस्तान ने पूरे देश में और हर एक वर्ग के आदमी के पास वो टेलीकम्युनिकेशन की रीच हमें देखने को मिली। नए नए सिस्टम्स आ रहे हैं, चीपर टेक्नोलॉजी आ रही है। इस समय जो एक टेलीकम्युनिकेशन का रेट है, पिछले 15 साल से पूरे विश्व में सबसे सस्ता रेट है टेलीकम्युनिकेशन का हिंदुस्तान में। ये क्यों हो पाया? क्योंकि हम लोग डिजिटली एडवांस थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, सॉफ्टवेयर था, बड़ी कंपनियां उसका फायदा उठा पाई, बैंकों ने और कंपनियों ने उसका फायदा नहीं उठाया, पर बड़ी कंपनियां फायदा उठा पाई और उस डायरेक्शन में बढ़ के उन्होंने वो रेट भी कम कर दिए और एक सुविधा भी दी एक आम आदमी को। तो जहां तक हैबिट्स की बात है, अगर एक इंसान को देखने को मिल रहा है कि मेरे को इससे फायदा होता है तो वो जरूर उसको अपनाएगा। इस समय हम चाहते हैं किसी किराना शॉप पे दुकान पे जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, वो हमें कभी टॉफी दे देता है, कभी कुछ दे देता है, मेरे लिए तो पैसा बेकार हो गया वो। अगर मैं ये डिजिटल के थ्रू, मोबाइल के थ्रू टच करके ट्रांसफर कर पाता हूं, टेक्नोलॉजी है, पिछले 20 साल से चल रही है अफ्रीका में, जैसे आपने कहा, और अफ्रीका में और हिंदुस्तान में थोड़ा फर्क ये है कि वहां पे जो ये ट्रांजैक्शन हो रही है, 98% जो पैसा मोबाइल से मोबाइल जाता है, वो सेंट्रल बैंक वहां पे उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री से बाहर है। यहां पे जो लगाया गया है, जो सिस्टम बनाया गया है, इसमें आरबीआई का फुल कंट्रोल रहेगा कि कितना पैसा किस मोबाइल से किस में जा रहा है, कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, पेमेंट गेट में पूरे सिस्टम स्टडी करके अलाउंस दी गई है। वहां पे जो चल रहा है पिछले 20-25 साल से चल रहा है, पर वहां पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये इसलिए वहां पे पॉसिबिलिटी होगी। जब एक आदमी को पता चलेगा कि मेरे को ये सुविधा है, मेरे को ये फायदा है, तो इंसान की फितरत ये है कि वो फायदे के लिए वो करने को तैयार होगा। दूसरी चीज जो एक हमें देखने को मिली, इसे करप्शन भी बड़ी कम होगी, टेररिज्म पे ऑलरेडी लगाम आ चुकी है, पर हम ये सोचें और ये कहें कि ऑनलाइन होने से टेररिज्म खत्म हो जाएगा या ऑनलाइन करने से करप्शन खत्म हो जाएगी, मेरे विचार में सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि इससे नहीं होगा। जब 11 सितंबर अमेरिका में अटैक हुआ, ओसामा बिन लादेन ने ऑनलाइन बैंक्स को यूज करके अपने आप को फाइनेंस किया, 1999 की बात कर रहा हूं, आज से ऑलमोस्ट 20 साल पहले, 18 साल पहले की बात। तो ये सब चीजें चलती रहती है, करप्शन ऑनलाइन भी हो सकता है, जो टेररिज्म है वो भी ऑनलाइन हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स जो होते हैं वो भी ऑनलाइन हो सकते हैं, ये सब कुछ, इसकी कोई रुकावट नहीं है। बट इसके लिए अगर कदम उठाए जाए ठीक ढंग से, और सरकार अभी दृढ़ है इसके लिए, आम आदमी में भी जोश है, तो अगर करे तो मेरे विचार में एक आम आदमी जो सच्चे धन से अपना टैक्स देके पैसा कमाता है,
उसको इस समय बड़ी राहत मिली है कि ये जो कालाबाजारी करके, करप्शन करके, काउंटरफीटिंग करके लोगों के पैसा धन आ रहा था, उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था, इकोनॉमी की कर्मचीमाएं बिगड़ रही थी, एक आम आदमी खाने की वस्तु तक खरीद नहीं पा रहा था। जमीन तो दूर की सोच हो गई थी, पिछले 15-20 सालों में जमीन के दाम 400-400% 500-500% बढ़े हैं। अमेरिका के अंदर पिछले 8 साल में 90% फॉल हुआ रियल एस्टेट में, हिंदुस्तान में एक पैसे का फॉल क्यों नहीं हुआ? ये काले धन और जो करप्शन का पैसा था उसकी वजह से था। अब ये जो कम हो गया है, अब हमें देखने को मिलेगा कि एक आम आदमी जो उसकी उम्मीद थी कि मैं एक घर में रहूं, इज्जत से जी पाऊं, तो मेरे को जो मैं पैसा कमा रहा हूं, मेरे को उसकी वक्त मिल रही है, मेरे विचार में वो अब वक्त मिलने को उसको आएगी। और जब उसको देखेगा कि वक्त मिल रही है, तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो कहते आए हैं, और उन्होंने बड़े सारे प्रोग्राम लॉन्च किए, सिर्फ डिजिटल इंडिया लॉन्च नहीं किया, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम हम देखें, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम भी इसके प्रति जाता है, जनधन प्रोग्राम देखें हम, जनधन में इतने लाख अकाउंट खुले गए, जो लोगों के पास खुला गया वो इसीलिए खुला गया, फॉर्चुनेटली जो वित्त मंत्री जी ने, उन्होंने इस बार लास्टिंग बजट में कहा कि हाँ जी हम पोस्ट ऑफिस को अपग्रेड करें। पोस्ट ऑफिस एक ऐसी चीज है जो एक छोटे से छोटे प्रांत में जाता है, और एक पोस्टमैन में जो कॉन्फिडेंस है एक आम आदमी का, वो अपने घर की चाबी भी उसके पास छोड़ के जा सकता है, वो ऐसे जानता है क्योंकि उसने 30 साल तक उस पोस्टमैन को देखा है। अगर हम उनको छोटा सा मोबाइल दे दें, एक टेक्नोलॉजी टैब दे दें, बड़ा सस्ता टैब बनाया था सरकार ने ही, टैब बनाए थे बड़े सस्ते, उसी टैब को दे दें, तो वो सारी बैंकिंग, सारी पोस्ट ऑफिस, ट्रांसमिशन, ईमेल, वो सारा उस आदमी के लिए कर सकता है। तो जब ये करने को मिलेगा तो हम देखेंगे जो लोग पैसा जमीन के अंदर घुसा घुसा के रखते थे, ईमानदारी से कमा के घुसा के रखते थे कि उनको पता नहीं था कहां रखें, जैसे अभी आपने कहा रीच नहीं है, वो रीच ऑटोमेटिकली हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू और बैंक के थ्रू माध्यम से कर सकते हैं। और बैंक, पोस्ट ऑफिस बैंकिंग की बेसिक एक्टिविटीज, जो डिपॉजिट होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है, LIC हो, चाहे कोई और स्कीम्स हो, चाहे पैसा रखना है, FD बनानी है, ये सारी फैसिलिटीज पोस्ट ऑफिस पिछले 30-40 साल से करते आ रहे हैं आराम से। तो इसलिए ये कोई दिक्कत नहीं है कि वो अपग्रेड हो, और हम एक ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ जो हमें बढ़ना है और कैशलेसनेस की तरफ जो बढ़ना है हमें, बड़े आराम से बढ़ सकते हैं। पोस्ट ऑफिस क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर सकता है, पोस्ट ऑफिस ई वॉलेट लॉन्च कर सकते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी है, कुछ भी नहीं करना, पोस्ट ऑफिस भी नेटवर्क पे है, सब कुछ सब जगह किया जा सकता है। इसमें मैं एक छोटी सी बहुत क्विक चीज एक और ऐड करना चाहूंगा, वो ये इंसानी जो आपने बोला प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत जल्दी बदलती है, स्पेशली अगर आप देखें आज की जनरेशन आसानी की तरफ जाती है। जितनी अच्छी सर्विसेज बना पाएंगे हम इस पेमेंट की फाउंडेशन के ऊपर, उतना ही ज्यादा इंसान इसको अडॉप्ट करेगा। अमन, एक बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग कही थी, वो ये थी कि ऑनलाइन होने के बाद भी आपको लगता है कि काले धन में कमी नहीं आएगी अगर इसको बाकी चीजों को भी अगर हमने ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज जो ये हमने शुरुआत करी है, बेसिकली आप देखें तो ये शुरुआत इसीलिए की गई है ताकि कि काले धन को हम रोक सकें, काले धन में हम लोग किसी तरीके की लगाम लगा सकें। और जैसे कि अभी कल ही RBI ने एक नोटिस निकाला है कि भाई जो जनधन अकाउंट से आप 10,000 रुपये से ज्यादा एक महीने में निकाल नहीं सकते हैं, और वो भी इसलिए निकाला क्योंकि जनधन अकाउंट का भी मिसयूज हो रहा था, लोग 2.5-2.5 लाख रुपये उसमें डाल रहे थे जिन्होंने आज तक एक भी पैसा नहीं डाला। तो ये तो आपकी वो बात को एक तरीके से इंडिकेट ही करता है कि हमें इस सब के बावजूद भी इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना पड़े, और इस काला धन जो पैदा होता है उसके जो भी कारण है सभी पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जो भी डिजिटल पेमेंट होता है आप अच्छे से ट्रैक कर पाते हैं, और आजकल जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह है उसमें तो वो मिटता ही नहीं है, मतलब आपने एक बारी जो ट्रांजैक्शन कर दिया वो हमेशा ही वो रहेगा। तो उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं आपको लगता है कि जिससे कि जो सरकार को इसके अलावा करनी पड़ेंगी, मतलब एक तो हम इनकरेज करेंगे ही डिजिटल पेमेंट को, और उसके अलावा क्या क्या करना चाहिए, सिर्फ पेमेंट से संबंधित मैं बात कर रहा हूं, लैंड या गोल्ड से नहीं, कि जिससे कि हम काले धन को रोक सकें, उस पर कंट्रोल कर सकें। आपने बड़ी अच्छी बात करी, जो जनधन अकाउंट्स में सरकार ने कदम लिए हैं, RBI ने भी जो कदम लिए हैं ये सराहनीय हैं। मेरे विचार में एक ये लिमिट जो 24,000 रुपये, 50,000 रुपये, 10,000 रुपये, इसकी जगह मेरे विचार में RBI को, और ये सिस्टम हमारे पास है, एवरेज बैलेंस जो एक इंसान विड्रॉ कर रहा है उसके बेसिस पे इसको लगाना चाहिए था। अगर सपोज किसी का एवरेज बैलेंस विड्रॉल एक साल में 60,000 है या 80,000 है तो उसको उतना दिया जाए, अगर एवरेज विड्रॉल पिछले एक साल, पिछले साल में उसका 2 लाख रुपए रहा है तो उसको 2 लाख दिया जाए, किसी का सिर्फ 500 रुपए रहा है तो उसको 24,000 रुपये क्यों दिया जाए। और ये सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में की वजह से बैंक में लागमी करना आसान काम है, कोई बड़ी इसमें डिफिकल्टी की बात नहीं है। तो 10,000 रुपये नहीं है, सपोज कोई जनधन, एक जेन्युइन जनधन अकाउंट है और वो इतना हर रोज जो है ऑटो रिक्शा से कमा के करके 5,000 रुपये, 10,000 रुपये जमा करा रहा था, आप उसको कहो कि नहीं जी मैं 10,000 रुपये नहीं निकाल सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं, मेरे विचार में ये फिक्स लिमिट करना, उससे अच्छा एवरेज जो किसी की डिपॉजिट रही या विड्रॉल रही उसके बेसिस पे अगर हम करें तो ये अच्छा रहेगा। जहां तक आपने काले धन की बात करी, मैं आपको बताऊं
काला धन जो है क्या होता है कि ऑनलाइन ट्रांसफर के अंदर जो ऑनलाइन ट्रांसफर है वो समय का पाबंद नहीं है, उसमें तो सीकिन में गया एकदम से वो पैसा चला जाएगा दूसरी जगह और उसको फिर पकड़ना। जैसे इस समय कुछ जो लोग हिंदुस्तानी आदमी का पैसा लेके बड़े बड़े साहूकार विदेश भाग गए हैं उनको पकड़ना मुश्किल हो रहा है, ऐसे ही उस पैसे को पकड़ना जो है मुश्किल होगा। एक साइबर सिक्योरिटी अभी इश्यूज अभी भी थोड़े बहुत हैं, जो आम आदमी को डरने की बात नहीं है क्योंकि वो साइबर सिक्योरिटी इश्यूज बड़े बड़े अकाउंट्स में ज्यादा आते हैं और जो आम आदमी का जो वॉलेट साइज है वो इतना बड़ा नहीं है कि उनको इतना इफेक्ट कर पाए, तो इसलिए आम आदमी को उसे चिंता होने की बात नहीं है। जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं उनको ई वॉलेट और इन सिस्टम से थोड़ा डिफिकल्टी और डर लगता है। फेसबुक जैसे कंपनी है उनके सब पासवर्ड चोरी हो गए, इसका न्यूज़पेपर में आया था, यहाँ पे आपने कार्ड का बताया उनके हो गए, ये थोड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं अभी हैं बाद में कम हो जाएंगी। मेरे विचार में आरबीआई और जो बैंक्स हैं और जो सिक्योरिटी सिस्टम्स वाले हैं और सरकार भी लगी हुई है किस तरीके से इसको हम स्ट्रेंथन करें, और क्योंकि हम एक आईटी स्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं वर्ल्ड वाइड के लिए तो हमारे लिए वो सिस्टम्स क्रिएट करना स्ट्रेंथन करना आसान काम है। थोड़ा जो समय हमें लगा और जो हमें प्रॉब्लम आई एक आम आदमी को, मेरे विचार में ये आगे जाके अगले एक हफ्ते में और शांत हो जाएगी और एक बार जब ये थोड़ा थोड़ा आदमी करके इस्तेमाल करने लगेगा जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जब उसे फायदे नजर आने लगेंगे जैसे मैंने आपको कहा, वो अपने आप ही मूव कर जाएगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान का आम आदमी हमेशा बहुत इंटेलिजेंट रहा है, पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान के आम आदमी को चाहे वो मैथमेटिशियन हो साइंटिस्ट हो एक लेबरर हो उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। विश्व के काफी सारे देशों में हिंदुस्तानी बैठे हैं काम कर रहे हैं और हमें देखने को मिला जब ये प्रधानमंत्री जी बने थे अलग अलग देशों में गए वहां पे कितने हिंदुस्तानी किस किस लेवल तक पहुंचे हुए हैं। आई थिंक कोई हमारी लिमिट नहीं है, एडजस्टेबिलिटी जो है हिंदुस्तान में काफी अच्छी है। मेरे विचार में हिंदुस्तान ये डिजिटल मूवमेंट की तरफ भी बड़ी अच्छी तरीके से चल पाएगा गिवन की ये प्रॉब्लम्स कुछ हमें देखने को मिल सकती है। तो जब हम डिजिटल भुगतान की बात करते हैं तो ये जो इकोसिस्टम है इस इकोसिस्टम में एक दो कंपोनेंट हैं इम्पोर्टेंट, एक तो हो गया कस्टमर दूसरा हो गया मर्चेंट। तो कस्टमर तो जनरली आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं उससे मालूम है कि ठीक है ये वाला वॉलेट उसको इस्तेमाल करना है या फिर यूपीआई का मेरे को इस्तेमाल करना है क्योंकि भारत सरकार उसको काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है, तो वो चीजें कस्टमर को लेकर आना तो कंपेरेटिवली आसान है। लेकिन अगर हम देखें मर्चेंट को इसमें रोप इन करना बड़ा ही मुश्किल है। उसका एक चीज तो यही है कि मर्चेंट के जो भी एक्टिविटी है वो सारी की सारी रिकॉर्ड होती है और मर्चेंट को कितना पेमेंट मिल रहा है, तो आज की डेट तक कम से कम 8 नवंबर से पहले तो ये था कि मर्चेंट की कोशिश ये रहती थी कि जितना भी टैक्स बचा सके वो वही कोशिश करता था और इसलिए वो ऐसा कोई भी पेमेंट लेना नहीं चाहता था जिस पेमेंट में ट्रैक हो। तो अब अगर हम बात करते हैं कैशलेस या डिजिटल की तरफ बढ़ना है तो इस केस में हमें मर्चेंट को भी लेके आना पड़ेगा और नेचुरली जैसा कि अमन ने भी बोला कि भाई जब तक फायदा नहीं होगा किसी का तब तक कोई आएगा नहीं, या उन्होंने बोला कि भाई जब फायदा दिखेगा तभी आएंगे। तो यही बात है कि मर्चेंट को इसमें क्या फायदा दिखेगा और क्या तरीका है कि हमें सबको रोप इन करना चाहिए। तो पारितोष क्या आपको क्या लगता है कि कैसे हम लोग रोप इन कर सकते हैं? मर्चेंट को दो तरीके से समझिए, एक व्यापारी बट वही मर्चेंट एक इंसान भी है। अगर मैं एक इंसान से जाकर आज एक किसी भी भारतीय से जाकर आज एक बहुत आसान सा प्रश्न करूं आपसे मुझसे सबसे और वो प्रश्न ये हो आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, एक सुदृढ़ एक स्ट्रांग एक बहुत स्पीड से अग्रसर होता हुआ भारत, या आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं एग्जैक्टली जो अभी चल रहा है वो चलने दो जी, आप चॉइस लो। अगर आप एक ऐसे व्यापारी हो जो ये चाहता है कि मैं अग्रसर हूं, जो कि ये चाहता है कि मेरा भारत देश एक महान देश कहलाए, उस मर्चेंट के लिए उसको पता है और उसका वो विजन है कि ऑनलाइन पेमेंट एकदम या डिजिटल पेमेंट लेना एकदम सही रास्ता है, ना सिर्फ मेरे लिए बट मेरे कस्टमर्स के लिए भी। मेरा कस्टमर इनफैक्ट आपने अभी यही बोला कि कस्टमर्स के लिए तो आसान है, वो रोज न्यूज़पेपर में या टीवी में एडवर्टाइजिंग देखते हैं और वो डिस्काउंट्स के कारण या और काफी कारणों से जल्दी से एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। बट मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं। जब हम लोग मर्चेंट्स को बताते थे जी आपको ऑनलाइन पेमेंट लेनी चाहिए, हम लोग करीब करीब 1500 मर्चेंट्स पूरे भारत देश के एक एक हफ्ते के अंदर ऑनबोर्ड करते थे। आज मुझे बहुत गर्व होता है ये कहते हुए और शेयर करते हुए, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स जाकर विश्वास पैदा कर रहे हैं अपने बाकी साथियों में कि हाँ आप पेमेंट लो, ट्रैक करना बुरा नहीं है, अगर आप पेमेंट लोगे डिजिटल माध्यम से वो इस देश की तरक्की के लिए आपके बच्चों के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप टैक्स दोगे और बाय द वे आज तक क्योंकि हम चोरी करते आ रहे थे पैसे की तो
टैक्स ज्यादा था, चांसेस बहुत ज्यादा है कि अगर हम जेन्युइनली अपना टैक्स भरें ये टैक्स भी कम होगा और पैसा भी सरकार के पास आएगा, जिससे सड़कें बनेंगी, जिससे एयरलाइंस बनेगी, जिससे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा कि आपके आने वाली जनरेशन को एक ऐसा भारत मिलेगा जिससे कि हमें फिर ऐसे डिस्कशंस में अमेरिका या ब्राजील या अफ्रीका की बात नहीं करनी पड़ेगी, इनफैक्ट उनके डिस्कशंस में हमारे देश की बात होगी। परितोष, आपका जो कहना है बिल्कुल ठीक है और ये एक बेसिकली यही वो डायरेक्शन है जिसकी तरफ हमारी सरकार की सोच है कि हमारे देश को उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन तो भी प्रैक्टिकल लेवल पे ये अभी बहुत मुश्किल है। उसका कारण ये है कि पिछले 60-70 साल से हम लोग मर्चेंट हैं और कस्टमर हैं, दोनों एक ही पर्टिकुलर लेवल की जिंदगी को जीते आए हैं। वो लोग अपना कैश से भी उन्होंने पेमेंट लिया है और जब तक कि हम उनको ये इस बात को इन्फोर्स ना करें कि भाई आज के बाद आपको टैक्स पे ही करना है और आपके लिए एक ही बात है कि कैश लो या आप डिजिटल ट्रांजेक्शन लो, तो तब तक ये बिहेवियर में चेंज होना मेरे को लगता है कि थोड़ा मुश्किल है। तो अमन ने इसी अमन बड़ा यही था, इसी चीज के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। और मेरा एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंडिया के बारे में तो बताएंगे ही, ग्लोबल जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, जहां ट्रेडर की बात है, एक तो इज्जत की जिंदगी जीना बहुत बड़ी चीज, वो ट्रेडर कम्युनिटी में काफी हद तक जो छोटे ट्रेडर से गायब होती जा रही थी और वो इज्जत की जिंदगी जी नहीं पा रहा था, ना अपने बच्चों के सामने, ना परिवार के सामने, ना देश के सामने। दूसरी चीज, चोरी चकारी बढ़ गई बहुत ज्यादा। पैसा रखा मैंने कैश, इज्जत से कमाया, फिर भी चोरी हो गया, कोई उठा के ले गया, कोई डकैत आ गया, मर्डर कर गया, वो सब काफी हद तक कम हो जाएगा जब ई वॉलेट है, ट्रांजेक्शन है, ट्रांसफर है, वो सब काफी हद तक कम हो जाएगा। तीसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है, जो हमें आगे भी देखने को मिलेगी 1-1.5 साल के अंदर, हमारा पर कैपिटा इनकम जो है पिछले इतने सालों से बढ़ नहीं पाया। हम जीडीपी ग्रोथ के अंदर हम देखें टॉप 3 नेशंस पीपीपी मेजर पे हैं, पर हमारा पर कैपिटा ग्रो नहीं कर पाया। अब देखेंगे अगले 1.5-2 साल के अंदर पर कैपिटा हमारा इनकम डबल हो जाएगा। क्यों? अब जो हम आमदनी कमा रहे थे वो एक्चुअल दिखा पाएंगे, उससे मेरी लोन लेने की क्षमता, मेरे काम करने की क्षमता, मेरा क्रेडिट उठाने की क्षमता। एक एमएसएमई जो सेक्टर है हिंदुस्तान का, वो क्यों सफर करता है? क्योंकि वो सारा ही कैश, चाहे लेबर को हो, चाहे अपना काम हो, सारा कैश में आ जाता है, वो चेक नहीं कर पाता है। उस वजह से उसकी बैलेंस शीट नहीं बन पाती है, उसका बही खाता नहीं बन पाता, बही खाता नहीं बन पाता तो लोन नहीं ले पाता, अपने व्यापार को छोटे से बड़ा नहीं बना पाता। अब वो जब वो चीजें होने लगेंगी, तो जब व्यापार अपने आप ही आने लगेगा, ट्रांजेक्शन आने लगेंगी, और पैसा एक एक सबसे बड़ी थी, आज आप कोई व्यापारी देख जाओ तो सबसे पहले वो नोट को देखता था, ये सच्ची है नकली है, उसकी दिन में धुक होती थी, मैंने पैसा तो ले लिया, अब इसमें से कितना नकली है ये भी नहीं पता, जब बैंक में जमा कराने जाऊंगा तब पता चलेगा, या किसी को देने जाऊंगा तब पता चलेगा। ये जो दुख है वो भी खत्म, जब पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया तो वो तो असली है, चाहे असली है नकली है, वो तो नंबर है। तो मेरे विचार में ये जो हमें फायदे देखने को मिलेंगे ट्रेडर्स को, ये इमीडिएटली हमें 1 महीने में देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अमन, ये जो आपने बताया कि जो एक ट्रेडर के मन में डर होता है कि ये नोट नकली है या असली है, या फिर उसको जमा पूंजी कहां रखूं मैं, वो सारा का सारा डर खत्म हो जाएगा। और जहां तक टैक्स की बात है, लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करेंगे, उन्हें दिखेगा कि भाई मेरे टैक्स पे करने के बाद हमारे देश के हालात कितने अच्छे हुए हैं और एक इज्जत की जिंदगी हर कोई जिएगा। तो यही जो हमारी सरकार है उसकी इच्छा है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसी डायरेक्शन में अब आगे जाएंगे और डिजिटल भुगतान का इसमें एक बहुत ही अहम भूमिका होगी। इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमन और परितोष। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप चर्चा का विषय है कि अंतर्गत डिजिटल भुगतान के विभिन्न आयामों पर परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे इंडियन इंस्टीट्यूट फाइनेंस के प्रोफेसर अमन अग्रवाल और साइबर कानून विशेषज्ञ परितोष शर्मा। परिचर्चा का संचालन पत्रकार मनोज गहरोला कर रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।